हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, आजकल पूरे इंडिया में साउथ की फिल्मों का ज्यादा बोलबाला है। मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद ज्यादा साउथ की फिल्मों को देखना पसंद करता हूं। साउथ की फिल्मों में न सिर्फ दमदार एक्शन देखने को मिलता है, बल्कि इन फिल्मों में रोमांस का भी तड़का लगाया जाता है, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं। साउथ की रोमांटिक फिल्में दर्शकों को बांध देती हैं, जिससे उसे फिल्म देखने में मजा आता है और वो बिना रुके पूरी फिल्म का मजा लेता है। और उसी मजे का एहसास करने के लिए आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं टॉप 10 साउथ रोमांटिक फिल्म, जिन्हें देखने के बाद आपके दिल में हलचल होने लगेगी। और सबसे बेहतरीन बात ये कि ये सभी टॉप साउथ रोमांटिक फिल्में हिंदी डब में आपको इजीली मिल जाएंगी। तो चलिए जानते हैं साउथ की वो बेस्ट रोमांटिक फिल्में जिसे देखने के बाद आपका दिल उछल कूद करने लगेगा। तो नंबर 1 पे है मिस्टर लोकल। वेल, ये फिल्म रिलीज हुई थी 2019 में। मिस्टर लोकल एक तमिल रोमांटिक फिल्म है जिसमें आपको मनोहर नाम के एक लड़की की रोमांटिक कहानी दिखाई जाती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कार्तिना, जो एक घमंडी लड़की होती है, उसे मनोहर से प्यार हो जाता है। फिल्म में रोमांस के साथ साथ ढेर सारी कॉमेडी भी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि मनोहर शुरुआत में कार्तिन से लड़ता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो लड़ाई प्यार में तब्दील हो जाती है। लेकिन कार्तिना को मनोहर पसंद नहीं आता, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो अमीर होती है, दिल की कठोर होती है, लेकिन क्या मनोहर उसे अपने प्यार में शामिल कर पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी मिस्टर लोकल। आपको बता दूं कि ये फिल्म आपको इजीली जियो सिनेमा पर मिल जाएगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, और आप इसका आनंद ले सकेंगे। नंबर 2, बंगा राजू। ये फिल्म रिलीज हुई है 2022 में। ये एक तेलुगु एक्शन ड्रामा और रोमांटिक फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे आपको नागा चैतन्य और कृति शेट्टी, और साथ ही साथ नागा अर्जुन भी, जबकि फिल्म को डायरेक्ट किया है कल्याण कृष्णा कुरसाला ने। इस फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ रोमांस को भी टॉप पर रखा गया। इस फिल्म में कहानी दिखाई गई है चिन्ना बंगा राजू की, जो राम मोहन का बेटा होता है। वो पूरा दिन मस्ती करता रहता है और एक लड़की से उसे प्यार हो जाता है। लड़की गांव की सरपंच बन जाती है। तभी कुछ लोग दोनों को अलग करने के लिए बंगा राजू को मारने आते हैं, लेकिन राम मोहन और बंगा राजू मिलकर उन्हें ही मार देते हैं। आप इस फिल्म को, साउथ रोमांटिक फिल्म को, Z5 पर, OTT प्लेटफॉर्म पर इजीली देख सकते हैं। नंबर 3, माई फेवरेट गीता गोविंदम। ये फिल्म रिलीज हुई है 2018 में। IMDb रेटिंग की बात करें तो 7.7 out of 10। दोस्तों, टॉप साउथ रोमांटिक फिल्मों की बात हो और गीता गोविंदम फिल्म का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2018 में, लेकिन अभी तक इस फिल्म जैसी साउथ रोमांटिक फिल्म बनी ही नहीं। फिल्म में आपको विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की बेहतरीन कलाकारी देखने को मिलेगी। फिल्म गीता गोविंदम में दिखाया जाता है कि विजय गोविंद नाम के लड़के को गीता नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से उसके सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं और गीता को विजय के प्रति बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। विजय इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए पूरा कोशिश करता है, लेकिन क्या गीता को हकीकत पता चलेगी या फिर वो गलतफहमी की शिकार रहेगी, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और ये फिल्म भी आपको इजीली मिल जाएगी Z5 पर, OTT प्लेटफॉर्म पर। नंबर 4, नैनू शैलजा। ये फिल्म रिलीज हुई है 2018 में। इसका नाम दी सुपर खिलाड़ी 3 भी है। IMDb रेटिंग की बात करें तो 6.9 out of 10। नैनू शैलजा, जिसका नाम हिंदी डब में रखा गया है दी सुपर खिलाड़ी 3, ये एक रोमांटिक तेलुगु फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई। फिल्म में आपको राम पोथी नैनी और धन्य बाल कृष्णन नजर आएंगी। फिल्म को डायरेक्ट किया है किशोर तिरुमल्ला ने। फिल्म की कहानी काफी मजेदार है, जिसे देखकर आपको हंसी भी आने लगेगी। फिल्म में हरि नाम के एक लड़के और कीर्ति नाम की एक लड़की के बीच हुए प्यार को दिखाया जाता है, लेकिन ये प्यार इतना आसान नहीं होता। हरि के जीवन में एक और लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम शैलजा होता है। शैलजा के साथ हरि की शादी होने वाली है, लेकिन क्या हरि कीर्ति को भूल जाएगा, क्या हरि कीर्ति से शादी नहीं करेगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। वैसे तो ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर आपको मिल जाएगी, लेकिन ये फिल्म आपको YouTube पर इजीली मिल जाएगी। नंबर 5 है अर्जुन रेड्डी। ये फिल्म रिलीज हुई है 2017 में। IMDb रेटिंग की बात करें तो 8 out of 10। अर्जुन रेड्डी फिल्म तेलुगु रोमांटिक फिल्म है, जिसे लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। बता दें कि अर्जुन रेड्डी फिल्म का बॉलीवुड में रिमेक बनाया गया, जिसका नाम था कबीर सिंह, जिसमें शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आए थे। कबीर सिंह, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी रोमांटिक होगी। फिल्म में दिखाया जाता है कि अर्जुन रेड्डी देशमुख, जो कि एक सर्जन होता है, उसे शराब की लत लगी है और जल्दी गुस्सा करने की बीमारी भी है। उसे प्रीति शेट्टी नाम की एक लड़की से प्यार होता है, लेकिन वो खुद को बर्बाद करने के रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति की शादी किसी और लड़की से हो जाती है,
वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता और शराब पीना, सिगरेट पीना खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। आगे की कहानी आप देखेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। वेल, आपको ये फिल्म ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल सकती है, मे बी, क्योंकि मैंने देखी नहीं। नंबर 6 है लव स्टोरी 2021। IMDb रेटिंग की बात करें तो 6.9 out of 10। लव स्टोरी जो कि एक बेहतरीन रोमांटिक तेलुगु फिल्म है, अगर आप एक बेहतरीन साउथ रोमांटिक फिल्म की तलाश करें तो ये फिल्म आपके लिए एक अच्छी रोमांटिक साउथ फिल्म साबित हो सकती है। फिल्म में कहानी दिखाई गई है एक प्रेमी जोड़े की, जिसमें लड़के का नाम है रेवंत यानी कि नागा चैतन्य और लड़की का मोनिका यानी कि साई पल्लवी। लड़का और लड़की दोनों गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रेवंत एक डांसर है जो लोगों को डांस सिखाता है, वहीं मोनिका प्राइवेट जॉब करने के लिए कंपनियों में इधर उधर जाती रहती है, भटकती रहती है, लेकिन आखिर में उसे नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा डांस करती है। और इसी कारण रेवंत मोनिका को उसके साथ लोगों को डांस सिखाने के लिए पूछता है और वो हाँ कह देती है, लेकिन मोनिका के घर वाले उसकी शादी किसी और से करवाने लगते हैं, लेकिन रेवंत ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो एक बड़ा फैसला उठाता है। आगे जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी लव स्टोरी और ये आपको इजीली OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime और सोनी लिव दोनों पर मिल जाएगी। नंबर 7 है उपेन्ना। ये एक तेलुगु फिल्म है जो कि रिलीज हुई थी 2021 में। IMDb रेटिंग की बात करें तो 6.6 out of 10। उपेन्ना तेलुगु सिनेमा की बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों में से एक है। फिल्म में आपको कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति और वैष्णव तेज नजर आएंगे। इस फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। फिल्म में एक प्रेमी जोड़ी की कहानी दिखाई गई जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये प्रेम कहानी इतनी आसानी से नहीं जीने वाली। आसिफ वरधाम नाम के एक लड़के को संगीता नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। आसिफ वरधाम एक मछली पकड़ने वाला होता है जिसे समाज में एक नीचा काम या लोग माना जाता है, लेकिन संगीता गांव के मुखिया की बेटी होती है, इसीलिए किसी को भी, खासकर संगीता के पिता को ये जाति के खिलाफ रिश्ता पसंद नहीं आया। वो लड़की के भाई और परिवार वालों के साथ बहुत अत्याचार करता है, यहाँ तक कि उनके घर को भी बर्बाद कर देता है, लेकिन इससे भी ज्यादा वो आसिफ वरधाम के भाई को उठा के कहीं ले जाता है। क्या आसिफ वरधाम अपने परिवार को बचा पाएगा? क्या आसिफ वरधाम का प्यार उसे मिलेगा? ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फिल्म और आपको ये OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मिलेगी। बरेट, ये नाम थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। फिल्म का नाम है निन्निला निन्निला। ये रिलीज हुई थी 2021 में। IMDb रेटिंग है 7.5 out of 10। ये एक रोमांटिक तेलुगु फिल्म है जो 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी से लेकर एक्ट्रेस द्वारा निभाई गई एक्टिंग सब कुछ लाजवाब है। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे अशोक सेल्वन, रितु वर्मा और नित्यन मेनन, जिसे डायरेक्ट किया है अनी IVV ससी ने। ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा से भरी हुई है। फिल्म में दिखाया जाता है कि एक देव नाम का लड़का होता है जो कि एक बावर्ची होता है और बेहद स्वादिष्ट खाना बनाता है। वो अपनी दोस्त तारा के प्यार में पड़ जाता है और दोनों की जिंदगी सही चल रही होती है, लेकिन एक दिन माया नाम की लड़की हसमुख लड़की की जिंदगी में एंट्री होती है और यही समय होता है जब देव और तारा के प्यार में माया घुस जाती है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर देव किसको प्यार करेगा, क्या देव की जिंदगी में माया रहने वाली है या तारा। ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी और ये OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर आपको इजीली मिल जाएगी। नंबर 9 जानू। ये रिलीज हुई है 2020 में। IMDb 7 out of 10। जानू फिल्म 2020 की सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक है। ये एक तेलुगु रोमांटिक फिल्म है जिसमें आपको शर्वानंद और गौरी जी किशन की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। फिल्म को डायरेक्ट किया है सी प्रेम कुमार ने। इस फिल्म में आपको आपके बचपन वाले प्यार की याद आ जाएगी। जी हाँ, आपको उन स्कूल के दिनों की जिसमें आप छुप छुप के किसी का इंतजार करते रहोगे। फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे रामचंद्रा और जानू दोनों बचपन में अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में जाया करते थे। रामचंद्रा जानू को बहुत पसंद करता था, लेकिन सभी की तरफ वो भी कहने से डरता था, लेकिन किसी कारणवश वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर 2 दशक बाद यानी कि 20 साल बाद दोनों फिर से स्कूल रियूनियन में मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और प्यार का एहसास करते हैं। आगे की कहानी क्या होती है? क्या जानू फिर से लौटकर रामचंद्रा के पास आएगी? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी और OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आपको ये फिल्म मिल जाएगी। हालांकि ये फिल्म आपको यूट्यूब पर भी इजीली मिल जाएगी। नंबर 10 है मिस्टर मजनू। जी हाँ, बहुत ही माइंड ब्लोइंग फिल्म। ये फिल्म रिलीज हुई है 2020 में। IMDb 6.1 out of 10।
मिस्टर मजनू, जैसे कि फिल्म के नाम से ही पता लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी रोमांटिक होने वाली है। ये रोमांटिक तेलुगु फिल्म 2020 में रिलीज हुई, जिसमें आपको निधि अग्रवाल और अखिल एगने के बीच हुए प्यार को दिखाया जाता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि विक्रम कृष्णा नाम का एक लड़का हर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, किसी से भी प्यार करने लगता है, लेकिन किसी के साथ भी सच्चा प्यार नहीं हुआ। फिर उसकी मुलाकात होती है निकिता से, जिसे उसे सच्चा प्यार होता है, लेकिन निकिता की माँ इस रिलेशनशिप से नाखुश है और उसकी माँ उन दोनों को दूर करने के लिए कई तरीके आजमाती है। लेकिन क्या विक्रम को उसका सच्चा प्यार मिलेगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी ये, और आपको इजीली ये मिल जाएगी सोनी लिव पर, Z5 पर, और अगर फ्री में देखना है तो यूट्यूब पर जाइए। तो दोस्तों ये थी टॉप साउथ रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट, जिनमें आपको रोमांस के साथ साथ एक अच्छी लव स्टोरी, कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि इन फिल्मों को आप हिंदी डब में अपने पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म या YouTube पर फ्री में देख सकते हैं। इन सभी फिल्मों में से आपको कौन सी साउथ रोमांटिक फिल्म पसंद आई, कौन सी फिल्म आप देखने वाले हैं या किस फिल्म को आपने देख लिया है, आप अपनी राय खुलकर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।